प्रतापारोही रहे हैं। 2012 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट स्कल किया था, तो उसके एवज में सरकार ने निःशुल्क भूमि का आवंटन किया है, तो उसका कब्जा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और मेरे ब्रदर अभी सियाचिन में पोस्टेड हैं, इस ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता ही है, सरकार इस तरह के इनाम वगैरह सरकार अगर देती है खिलाड़ियों को, तो इससे खिलाड़ियों को लाभ भी होगा, खिलाड़ी और अच्छा। नहीं है राज्य सरकार के 2002 का एक परिपत्र है, उसके अंतर्गत राजस्थान के वो खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, विशेष रूप से ओलंपिक्स राष्ट्रमंडल और एशियाड खेलों में या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने यदि मेडल जीता है तो उनको कॉलोनाइजेशन में जो गवर्नमेंट ने 25 बीघा का एक जो मुरबा है वो लैंड अलॉटमेंट की वो पात्रता रखते हैं उनको लिस्ट अप करके भेजा था। साथ में जो माउंट एवरेस्ट को जो 4 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट विजेता थे उनकी लिस्ट हमारे पास 17 खिलाड़ियों की राज्य सरकार से लिस्ट हमारे को प्राप्त हुई थी, तो उसके अनुरूप हमने अलॉटमेंट कमेटी की कल मीटिंग रखी थी जिसमें राज्य सरकार के खेल और युवा मामले विभाग की तरफ से जिला खेल अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया, तो उस अलॉटमेंट कमेटी में 17 खिलाड़ी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उनमें से 10 खिलाड़ियों को हमने जो अलॉटमेंट भी कर दिया। उससे पहले हमारे जो टीम थी उनको मौके पे जाके मुरबे दिखा के भी आई थी, उनकी लोकेशन वगैरह दिखाने के बाद अलॉटमेंट कमेटी हुई थी और उन्होंने अपने मुरबे के लिए जो विकल्प प्रस्तुत किए थे उसके अनुरूप उन्होंने अलॉटमेंट किया था, और किसी स्थान पर एक ही विकल्प पर एक से ज़्यादा खिलाड़ियों ने आवेदन किया तो उसमें हमने लॉटरी निकाल के और शांतिपूर्ण तरीके से उनको अलॉटमेंट करके और उनको साथ में माउंटेन आदेश तुरंत ही जारी करके और उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कम्प्लाइज करके